अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ़ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। बोलना पड़ेगा पर मैं दिल से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ उस चांद रात मुबारक के लिए। खैर, स्टार्ट करते हैं अपना स्किन केयर रूटीन। तो जी, मैं आपके सामने सबसे पहले जो है ना अपने पार्लर कोल्ड क्रीम की जो है ना ये मैं ब्लीच क्रीम की एक रिव्यू देने जा रही हूँ। मैंने इसको फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया है और इसके सारे प्रिकॉशन जो है ना पीछे बैक पे लिखे हुए हैं। 24 कोल्ड इसके अंदर जो है वो क्रीम ब्लीच के लोग कहते हैं कि ये है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो इंस्टेंट है। तो क्या ऐसा वाकई है, स्टार्ट करते हैं। तभी मैंने जो है ना इसको बना लिया है। और एक्टिवेटर आपने अपनी स्किन की सेंसिटिव होने के साथ साथ कम या ज़्यादा आपने कर लेना है, ठीक है। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, काफ़ी फ्लफ़ी हो जाएगी, फूल जाएगी। उसके बाद मैं इसे अपने पाँव पर पहले अप्लाई करूँगी और अपने हाथों पर अप्लाई करूँगी। तो मैं आपको सिर्फ पाँव का दिखाऊंगी, हाथों का मैं नहीं दिखा सकती थी कि ज़्यादा मैंने अप्लाई भी किया हुआ था तो मोबाइल में यूज़ नहीं कर सकती थी, कैमरा नहीं चला। और जो मैं स्किन पॉलिश यूज़ कर रही हूँ है जेंसन की, और मैंने पहले भी यूज़ की है और मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी। मुझे काफ़ी सूट रहती है, मेरे चेहरे पे इतनी इचिंग नहीं होती, इससे कोई मुझे इससे जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती है और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। तो ये इसका डेवलपर है और ये इसका जो है वो पाउडर है। तो और साथ में मैंने स्किन टोनर इसका यूज़ कर रही हूँ, सिल्क क्रीम का इसका जो टोनर है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और सूथिंग लोशन मस्त है क्योंकि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो इसके बगैर आपका काम नहीं होगा। और अगेन एलोवेरा जेल जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो यहाँ पर मैं अपने फेस की क्वांटिटी के हिसाब से जो है वो बना लूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर बना लिया है सारा जो भी हमारा इसमें पाउडर और डेवलपर मैंने ऐड कर दिया है, सूथिंग लोशन भी ऐड किया है, और जो मेरे पास ये एलोवेरा जेल है इसको सबसे पहले मैं फेस पे अप्लाई कर लूँगी। और मैं इसको फ्रिज के अंदर रखती हूँ, फ्रिज में ये तो ठंडी होती है, जब फेस पर अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है, ठंडक सी आती है चेहरे पर। आप चाहें तो टोनर भी इस्तेमाल कर सकते। टोनर जो है वो मैंने स्किन पॉलिश के अंदर ही ऐड कर दिया था। फेस से मैंने इसको अप्लाई किया है तकरीबन 15 मिनट्स के लिए, और आपने इसको बार बार जब आप थोड़ा सा देखें कि ये हट रही है आप दोबारा से इसको लगाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारी जो ब्लीच है वो फूलना शुरू हो जाती है। आफ्टर वॉश आप लोगों ने एलोवेरा जेल या सिल्क टोनर इस्तेमाल करना है। तो मैं अभी सिल्क टोनर इस्तेमाल करूँगी। ये आपके जो फेस पे जो थोड़ी सी गर्माइश हो जाती है इस ब्लीच करने के बाद तो वो काफ़ी हार्मफुल भी होती है, तो इसलिए ये कि आप टोनर यूज़ करें तो वो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको वो लेवल पे ले आती है और काफ़ी आपका जो फेस है वो ब्राइट हो जाता है।
तो जी अब बारी है फेस मसाज की। तो मैं ये वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि आपको पता है ईद चांद रात जो है वो बहुत जल्दी जो है बता दी गई कि चांद रात है, और इस वजह से मैं आपसे आपसे इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ सिल्क क्लिनज़र कि मेरे पास ये क्लिनजिंग मिलके बहुत ही अच्छा है, ये ब्राइट करता है स्किन को, ठीक है, और इस मैंने इसे काफ़ी टाइम भी यूज़ किया है, ठीक है, और बहुत बेस्ट है स्किन के लिए। अगर आप चाहें तो इसको आप एज आ मेकअप रिमूवर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सिल्क ककम्बर की, और ये भी बहुत अच्छी मसाज क्रीम है विटामिन ई के साथ, और इसके अंदर एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट भी मौजूद हैं। तो अब हम बात करें स्किन पॉलिश की। स्किन पॉलिश मैंने पहले भी यूज़ करी है, इसकी जो क्रीम है बहुत अच्छी है, वाइटनिंग के लिए सबसे बेस्ट है, और ये काफ़ी सूट रहती है, और ऊपर आपको मेंशन भी है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन, और डबल एक्शन क्रीम वाइटनिंग ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको कहीं जाना है इंस्टेंट ग्लो लाना है तो आप ये वाली क्रीम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड की यूज़ कर लें, डबल एक्शन क्रीम वैसे अच्छी होती है। एप्रिकॉट स्क्रब है, इसकी स्मेल बहुत ही मज़े की है, ठीक है, ये आपके चेहरे को लाइटिंग एंड ब्राइटनिंग में काम करता है। इसका फॉर्मूला भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और सबसे लास्ट में है मर्ट मास्क। तो इस सब चीज़ें मैंने इस्तेमाल कर ली थी और इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था क्योंकि मैंने पहले भी इनको इस्तेमाल किया था। तो ये थी आज के चांद रात का वीडियो व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। फिर मिलेंगे कल, ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में। अल्लाह हाफिज़।